मेरा नाम राहिला जरमीन है और मैं पाकिस्तान नेशनल वुमन फुटबॉल टीम की मैनेजर और बलूचिस्तान यूनाइटेड वुमन फुटबॉल टीम की मैनेजर हूँ। इसके अलावा मैं करंटली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल डायरेक्टर भी हूँ। मेरे फुटबॉल के सफ़र का आगाज़ 2005 में हुआ जब वुमन फुटबॉल को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया था। उस वक्त मेरी अम्मी को एक टास्क दिया गया था कि आप बलूचिस्तान में एक वुमन फुटबॉल क्लब बनाएं और बलूचिस्तान जैसे ट्राइबल कल्चर एरिया में वुमन को फुटबॉल के लिए लाना इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। फुटबॉल जो है हम अपने ही घर से स्टार्ट किया और मुझे मेरी बहन सोहेला और जो सबसे छोटी शलायला थी उन तीनों को ग्राउंड पे लेके गई। बट वी डिडंट हैव अ प्रॉपर फुटबॉल ग्राउंड, वहाँ बलूचिस्तान में हम लोग कोई ओपन ग्राउंड में खेल नहीं सकते थे, तो हमें गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक हॉकी ग्राउंड दिया था जिसमें हमने फुटबॉल स्टार्ट किया। हम लोग बहुत छोटे से थे लेकिन हम लोगों को एक टीम बनाना था जिनको इस्लामाबाद जाके फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप खेलना था, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई लड़कियां थी नहीं, हम सिर्फ तीन बहनें थी, तो हम लोग डिफरेंट स्कूल्स में गए और वहां हमने उनको कन्विंस किया कि आप आएँ, आप ज्वाइन करें, देखें यू विल हैव अ वेरी गुड फ्यूचर इन फुटबॉल। तो इस तरह से लड़कियों को हमने घर घर जाके, स्कूल स्कूल जाके एक एक लड़कियां जमा करके बहुत मुश्किलों से हमने एक 16 की स्क्वाड तैयार की जिसको हम फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप के लिए इस्लामाबाद लेके गए और उस चैम्पियनशिप में हमने ब्रॉन्ज मेडल हासिल की और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बहरीन में हमने फर्स्ट एवर फ्रेंडलीज वुमेन फुटबॉल का, नेशनल वुमेन फुटबॉल का खेला था बहरीन में। इट वाज अ 10 डेज कैंप बहरीन में। फ्रॉम वहाँ से वहाँ यहाँ पाकिस्तान जब वापस आए तो सैफ कप हुआ जिसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव सब ने पार्टिसिपेट किया और जो है यहाँ पाकिस्तान टीम ने इस्लामाबाद में अपना जो चैम्पियनशिप खेला था। स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिखा देती है कि आप हर ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर सकें और इस तरह मेरे भी फुटबॉल जर्नी में बहुत सारे मैंने ऑब्स्टिकल्स फेस किए, लेकिन जो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट ये था कि व्हेन माय सिस्टर पास्ड अवे शलायला बलोच हु वाज द प्लेइंग स्ट्राइकर फॉर पाकिस्तान नेशनल वुमेन फुटबॉल टीम, तो जब उनका एक्सीडेंट हुआ एंड शी पास्ड अवे दैट वाज अ ब्रेकिंग पॉइंट इन माय लाइफ। द प्राउडेस्ट मोमेंट इन माय करियर वाज द मोमेंट आई वाज सेलेक्टेड एज द मैनेजर फॉर द नेशनल वुमेन फुटबॉल टीम, बिकॉज इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ इतने सारे पॉपुलेशन में आई वॉज द ओनली वन टू स्टैंड आउट एंड बी द वुमन मैनेजर, इस जगह पे आना और पहुँचना इट वॉज वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। फ्यूचर में तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ग्रास रूट लेवल से पाकिस्तान फुटबॉल को डेवलप किया जा सकता है, तो लियारी में जो लड़कियाँ हैं जो कि बहुत टैलेंटेड है करंटली मैं उनको ट्रेन करना मैंने स्टार्ट किया बिकॉज आई एम अ सी लाइसेंस सर्टिफाइड कोच फ्रॉम फीफा एंड आई होप कि फ्यूचर में भी आई कैन ट्रेन अदर गर्ल्स। स्टीरियोटाइप जो पाकिस्तान में है कि वुमन फुटबॉल नहीं खेल सकती, कि वुमन क्योंकि एक मैन डोमिनेंट स्पोर्ट्स है, ये बिल्कुल गलत है। वुमन ऑब्वियसली दे कैन प्ले फुटबॉल एंड दे कैन कम इन टू फुटबॉल एंड दे कैन हैव अ बेटर फ्यूचर, क्योंकि वुमन जो है दे आर इक्वली गुड एज मैन।